ऐसे तो बोलते हैं कि यहाँ भालू आता है करके अपने धर्मा घाटी में आजकल, तो यार ये है बेस कैंप धर्मा घाटी का, जहाँ पंचर तो पहले बुग्याल के साइड पे एक ताल तो आया था, यहाँ पे दूसरा ताल भी आ चुका है। फाइनली हम लोग पहुंच चुके पंचाजुली के 0 पॉइंट, इससे आगे रास्ता है नहीं। ये चढ़ाई देख देख के तो अब थोड़ा ऐसा लग रहा है कि गलत डिसीजन ले लिया। हेलो गाइस, वेलकम टू चिंता व्लॉग्स, वेलकम टू ऑल। तो यार अभी सुबह सुबह देते हैं और नानू यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं, मैं नाश्ता भी करता हूँ। एंड यहाँ पे आज अपना राशन पानी सूखा है, एंड ये राशन पानी 4 साल पुराना है, जो कि यहीं बिज में रखा हुआ था, जैसे मैंने बताया था ना बिज में रखते हैं स्टोर करते हैं, तो वही भी आज सुखा रखा है। एंड आज सही मौसम है, तो आज हम चलेंगे ऐसे पंचाचूली, अभी दिख तो रहा है तो भाई काम कर रहा है, तो थोड़ी देर रुकते हैं उसके लिए, फिर उसके बाद सीधे यहाँ से नाश्ता पानी करते हुए सीधे निकलते हैं पंचाचूली के लिए आज फाइनली। एंड फिर आई थिंक कल ही हम निकल जाएंगे यहाँ से धारसूला की ओर। तो यार अब जाके ऐसे हम लोग निकल रहे हैं, एंड अभी आपका समय 10:15 हो चुका है, अभी तो पंचायत घर में था भाई, फुल काम करने में लगा था, प्याज काटने में ही। एंड देखो अब मौसम पूरा बदल चुका है, पहले तक धूप आई हुई थी, बादल भी क्लियर हुआ था, बट थोड़ा धूप भी छुप गया है। एंड अब देखो ऐसी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है ना, ठंडी ठंडी हवाएं के चक्कर से यहाँ मेरा नाक भी फटने लग गया, हल्का हल्का तेज फटने लगा, ऐसा सबका फटने लग गया धीरे धीरे मुँह, तो यह मेरा भी छोटा भी हल्का हल्का फटा है, इसे ज़्यादा फटे इससे तो आज मैं जरूर घूम के सीधे निकल लूँगा। टीपू भी निकल गया, टीपू अपने साथियों के साथ दादाजा की ओर निकल गया, आज मैं भी आज पंचाचूली जाके शायद कल निकल जाऊंगा या परसों निकल जाऊंगा। मैं भी आज फिर से वही चढ़ाई चढ़नी है जो हमने उस दिन रिमजगती ताल के लिए चढ़ रहे थे, बस उसी से हमने रिमजगती ताल के लिए हमने टर्न लेना है, हमने सीधे आगे पंचाचूली के लिए चलना है। एंड आज देखते हैं हम कितनी देर में पहुँचते हैं पंचाचूली। तो यार ये रहा वो बोर्ड जहाँ से हमने रिमजगती ताल के लिए ऊपर चलना था, एंड यहाँ से बेस कैम्प सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर है। बेस कैम्प तो नज़दीक है पर 0 पॉइंट बहुत दूर है, तो अभी इसी सांस फूल गए क्योंकि हम लोग ना बाइक से थोड़ा लेट हो गए थे, तो फटाफट टाइम को कवर करने के चक्कर में चलते चलने तो सांस फूल लिया। अब भाई साहब टाइम को कवर करने के चक्कर में इतने जल्दी जल्दी चल रहे हैं कि भाई का सांस ही फूल लिया और थकाई इतनी लग गई है ना भाई साहब, टाइम टू टाइम रेस्ट करना पड़ रहा है। और ये चढ़ाई देखते रहो यार, चढ़ाई है फिर रास्ता भी ऐसा ही है, तो यहाँ सांस फूली जा रही है भाई। तो यार यही है वो पेड़, यही सारे वो पेड़ मिलेंगे जिसको हम आलम दरचा कहते हैं, वो जो लेके आते हैं हम अपने पूजा के टाइम। यहाँ पे फूल देखो भाई कितना मस्त लग रहा है मुझे। तो अभी इसी जंगलों के बीच में रास्ता है पंचाचूली का, अब चलते हैं। वैसे तो हम निकल तो चुके हैं पंचाचूली के लिए, बट यार अगर हमें 5 के 5 वो पहाड़ चोटियाँ नहीं दिखेंगी ना तो मज़ा नहीं आएगा, एंड वो भी पूरे क्लियर, अगर क्लियर दिखेंगे तो मज़ा आ जाएगा, होप सो कि दिख जाए। बट अभी देखो ना मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है, तो क्या पता छुप भी सकता है, क्योंकि इतने दिनों से ना छुप ही रहे, बस कल ही कल दिख रहा था जब मौसम पूरा क्लियर था, आज भी सुबह सुबह क्लियर था बट हम थोड़ा लेट हो गए, एंड देखते हैं अब कैसा रहता है। यहाँ देखो भाई कूड़ेदान आ रखा है, जगह जगह पे कूड़ेदान आ रखा है, नहीं तो लोग ऐसे ही फेंक देते हैं भाई कूड़ा, तो ये अपना कूड़ा अपने साथ लाओ, अगर अपने घर तक नहीं जा पा रहे हो तो बीच में बने यहाँ पे कूड़ेदान उसमें डाल दिया करो। ये आ गया शाशिंग देखो, जिसे बोलते हैं भोजपत्र, ये है वो पेड़ देखो, ये लेके आना पड़ता है आग जलाने के लिए। ये लो भाई हम तो पहुँच गए बेस कैंप, बेस कैंप पहुँचते पहुँचते हमें लग गए आपका 37 मिनट, बोले तो आधा घंटा ही मान के चलो, ये आपका बेस कैंप। एंड यहाँ से अभी सिर्फ 5 चोटी भी दिख रहा है, ऐसी बात नहीं है, पर अभी हल्का बादल लगा है, ठीक है। अभी यहाँ पे लोग खाना पीना खा रहे हैं, लंच टाइम हो गए हैं, तो यार यहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, फिर यहाँ से निकलेंगे सीधे आगे 0 पॉइंट की ओर। एंड 0 पॉइंट आई थिंक हमें यहाँ से 1.5 घंटा तो लग ही जाएगा। तो यार ये है बेस कैंप धर्मा घाटी का, जहाँ पंचाचूली जाने वाले लोग रहते हैं, एंड ये रहा पंचाचूली 5 की 5 चोटियाँ। देखो भाई यहाँ टोटल 5 कैंप लगाए हैं जिसमें 5-5 बिस्तर है, आप एक दिन यहाँ रेस्ट करके इसी दिन निकल सकते हो,
अपने घर की हो। 15 मिनट्स लेटर हमने तो वहाँ पे रेस्ट कर लिया एंड अब हम यहाँ से निकल चुके हैं, क्योंकि अगर वहीं हम रेस्ट करेंगे ना तो हम लेट हो जाएंगे एंड तो क्या पता पंचायत ढक सकता है बादलों से, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। एंड हमने ठीक किया, हमने नीचे रास्ते से आए। वैसे दो रास्ते हैं पंचायत आने जाने के, जहाँ से आपने बोर्ड देखा ना रंग जगती ताल वाला बोर्ड, वहाँ से दो रास्ते करते हैं। ऊपर से जाता है सीधे पंचायत की ओर, एक नीचे से जाता है जहाँ से हमने चुना। तो हमने ठीक किया, हमने नीचे से आके सीधे बेस कैंप पे आए। अगर हम ऊपर ही ऊपर जाते तो हम सीधे सीधे पंचायत की ओर तरफ जाते एंड फिर आते समय बेस कैंप होते हुए आना पड़ता। बट अभी हम बेस कैंप पे होते हुए गए, तो हम आते वक्त ऊपर से आएंगे। बढ़िया आपको दिखाऊंगा मैं दुक्तू और सोन गाँव के लोग कहाँ से कीड़ा खोदते हैं, वो जगह दिखाऊंगा मैं आपको। चाचा जी लोग आपको पाँच भी दिख गया। तो यार चाचा जी लोग तो देख के आ चुके हैं पंचायत, मतलब देख तो हम भी बेस कैंप से दिख जाता है, बट 0 पॉइंट जाके आ गए हैं एंड हम लोग भी अभी 0 पॉइंट की ओर निकल चुके हैं। तो फटाफट से जाते हैं। तो यार अभी हम लोग पहुंच चुके हैं के एरिया में। अगर आप सामने देखोगे तो भीड़ बकरा चल रहे हैं एंड यहाँ से दिख रहा है पंचायत पूरा। ये रहा सामने पंचायत की पाँचों चोटियाँ। बट अभी बादलों से ढकने लग गई है, अब हमारी किस्मत में है नहीं उतना। एंड आजकल डेली क्या हो रहा है कि बादलों से ढक जा रहा है। अभी सुबह था तो ठीक था मौसम, क्लियर दिख रहा था, बट अब देख रहे हो पहला चोटी ढक चुका है, चौथा चोटी ढक गया है, पर ठीक है। एंड आपको पंचायत की स्टोरी भी सुनाऊंगा मैं आपको बाद में, बट अभी पहले तो हम 0 पॉइंट, फिर आपको पंचायत की स्टोरी सुनाऊंगा। आ गए आप लोग पंचायत देख के, ये यहाँ पे भी तो ताल है सामने, ये तो ध्यान ही नहीं दिया, यहाँ पे भी तो ताल है। ओ देखो ये भेड़ रह गए, देखो बुला रही अपने मालिक को, कहाँ रह गए। तो यहाँ से अब हम चलेंगे फटाफट, यहाँ से 1.5-2 घंटा लगता है बोल ले। वैसे तो हमारी आंखों के सामने है, जस्ट ऐसा लग रहा है कि जस्ट 100 मीटर में पहुंच जाएंगे हम 0 पॉइंट, बट ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही लंबा ट्रैक होने वाला है। ये देखो भाई ग्लेशियर यहाँ पे, एंड ये है आपका पंचायत। तो यार यहाँ पे अभी जस्ट पहले थोड़ी देर पहले बुग्याल के साइड पे एक ताल तो आया था, यहाँ पे दूसरा ताल भी आ चुका है, ये देखो भाई। एंड ये ताल देखोगे ना भाई कितना क्लियर है, साफ साफ दिख रहा है, इसके नीचे मिट्टी है, ये क्या है, साफ पानी है भाई, वो देखो उसको देखो, हमारे साथ साथ आया 0 पॉइंट भाई साहब। कितना क्लियर ताल था यार, कितना साफ पानी था। एंड अभी मौसम ठीक हो चुका है, बादल धीरे धीरे हट रहे हैं एंड आपको फिर जाके 0 पॉइंट से दिखाएंगे। तो यार यहाँ पे लिया हमने रेस्ट एंड यहाँ से आपका 0 पॉइंट सिर्फ आधा घंटा है, वहाँ पे पत्थर तर लगे, उससे आगे रास्ता बंद है। यहाँ से तो वैसे पूरा पंचायत पूरा क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे सभी लोग बैठे यहाँ पे रास्ता करते, फिर यहाँ से सीधे होगा तो आगे देखेंगे, नहीं तो फिर यहीं से वापस ही कर लेते, क्योंकि अब धूप भी लग रहा है भयंकर सर पे, तो चक्कर टाइप का भी आ रहा है मुझे तो अलग अलग। आज का अपना लंच छोले मैक्रोनी और पता नहीं कहाँ रखा है यार तुमने, वो पूरी हमारा बिस्किट नहीं यार, पूरी पूरी पूरी। उनका पुराने जमाने का बर्तन नर्तन ना पानी के साथ बह के आते यहाँ पे, बहुत अच्छा जगह था। पंचायत के टॉप में बनता था मेरे घर, जब पंचायत नहीं होता उस टाइम पे जड़ में, अपना तो नाश्ता पानी हो चुका है एंड अब यहाँ से निकलते आगे थोड़ा 0 पॉइंट की तरफ को, देखते यार कितना दूर है, अगर ज्यादा दूर हुआ तो फिर हम नहीं जाएंगे, हम आधे से वापस ही ले लेंगे अभी, तो अभी चलते हैं फिलहाल आगे तक। एंड ऐसा बोला जाता है कि टाइम टू टाइम ग्लेशियर फटता है अंदर ही अंदर, यहाँ देख लो जगह जगह पे ग्लेशियर है यहाँ पे।
आओ आओ। अभी मुझे समझ नहीं आया, तुम ये देख रहे हो बीच बीच में कुछ निशान देख रहे हो बर्फ के बीचों बीच में ये चोटियां? हाँ देख रहे हो भाई साहब, ये जानवरों के निशान है शायद। ये देख रहे हो भाई पैरों के निशान, भाई साहब खतरनाक ऐसे ही निशान आगे तक है। देखो यहाँ पता नहीं कौन सा जानवर आता है भाई इधर से। तो बोलते हैं कि यहाँ भालू आता है करके अपने धर्मा घाटी में आजकल, मैंने आज थोड़ा सा देखने भी हो गया भाई। देख रहे हो निशान देख रहे हो इतने बड़े बड़े पैर के, पता नहीं कहाँ है ये भालू वालू। तो अभी थोड़ा और आगे तक चलते हैं फिर वापस ही कर लेते हैं, क्योंकि यार हमें पूरे 3 घंटे हो गए रुक के चल के नाश्ता खा के टोटल। तो यार फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं पंचाचुली के 0 पॉइंट, इससे आगे रास्ता है नहीं। तो आपको दिखाता हूँ यहाँ पे है, ये देखो ये पत्थर यहाँ पे और यहाँ पे गधा भी पड़ा हुआ है, इससे आगे रास्ता खत्म है। तो यार यही है लास्ट एंड, इससे आगे नहीं जा सकते हम लोग पंचाचुली का। तो यही है पंचाचुली का 0 पॉइंट एंड अभी आज सामने देखते हो यही है पंचाचुली जो कि बादलों से ढक चुका है। अभी क्या है अभी तो नहीं दिख पाएगा, बट यहाँ से नीचे झरने देख सकते हो जो कि पंचाचुली से आ रहे हैं। एंड उसी के बाजू में देखोगे तो आप वहाँ पे देख रहे हो गुफा, ये हाँ ये गुफा ये इसलिए बना है क्योंकि यहाँ पे टाइम टू टाइम ग्लेशियर फटता है ना, तो वो ग्लेशियर फटने की वजह से ये गुफा बना है। एंड इसकी हाइट ना जो ये पंचाचुली की हाइट है ये सी लेवल से 6000 मीटर से 7000 मीटर के बीच है। पंचाचुली का नाम पंचाचुली इसलिए पड़ा क्योंकि जब 5 पांडव भाई ऊपर स्वर्ग की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने आखिरी बार जब चूल्हा चलाया था उन्हीं चोटियों पर चलाया था, तब जाके इसका नाम पंचाचुली पड़ा। एंड यार ऐसा बोलते हैं कि जो इसका मुंह है पंचाचुली का वो मुंशहरी की साइड है, एंड जो हमारे साइड है ना ये पीठ है पंचाचुली का। आवाज़ सुन रही है, ग्लेशियर फट रहा है कहीं से कहीं से, कहाँ कहाँ फटा पता तो नहीं चला, बट कहीं ना कहीं तो फटा, आवाज़ तो आया भाई। अगर आप यहाँ देखोगे ना ये रास्ता सारा है, देखो पहले यहाँ पहाड़ हुआ करता था, ये सारा ग्लेशियर फटने की वजह से पूरा पहाड़ नीचे जा चुका है। एंड यार ये जो पंचाचुली के 5 चोटियों से जो झरने निकलते हैं ना ये एक बन के यहाँ से निकल के ये न्योला यंगती बनता है। एंड यार यहाँ 12 मास बर्फ रहता है इस पंचाचुली में। यार अब तो यहाँ से बारिश स्टार्ट हो गई है, अभी देखो पंचाचुली पूरा ढक चुका है, तो यहाँ पे अभी रुकते नहीं है, फटाफट से निकलते हैं क्योंकि हम अगर टाइम से निकलेंगे तो टाइम से पहुंचेंगे। तो अभी दुक्तू में तो बारिश नहीं हो रही, यहाँ तो बारिश स्टार्ट हो चुकी है। तो चलो एंड आपको अब क्लियर कर बताता हूँ कि हमको यहाँ पहुंचने में कितना समय लगा। तो बहुत ही गंदा आया है ये देख रहे हो, चढ़ाई से डाउन गजब वाला आया, पूरे हाथ ठंडे हो गए हैं बर्फ से। भाई साहब देखो आप देख रहे हो अब कोहरा लगा है, अभी तक तो पहले बादल लगे हुए थे बट अब कोहरा लग चुका है। ये देखो भाई अल्टीमेट, एंड हम लोग नीचे पहुंच गए हैं, सामने देखो ना भाई क्या लग रहा है भाई। अब जाके दी लोग सभी लोग आए हैं, टाइमिंग देखो ना कितना बढ़िया टाइमिंग है लोगों का, ठीक धूप आ गया हल्का उजाला रहा धूप, अभी तो बारिश आ रही थी ऊपर। एंड देखो पंचाचुली धीरे धीरे खुलने लग गया, अपना टाइमिंग भी ऐसा ख़राब नहीं है, हमने भी रास्ते में देख लिया था बट जैसे ही वहाँ पहुँचे उस टाइम तक थोड़ा बादल लग चुका था। कोई नहीं पंचाचुली तो अपना ही है यार, दुक्तू में ही तो पंचाचुली है अपना, कभी भी आओ जाओ पर ऐसा नहीं है यार, हम तो वैसे ही बहुत लेट आते हैं। एंड आपको बता दूँ हमें प्रॉपर वैसे समय कितना लगा, खाना खा के फोटो खींच के रुक के रेस्ट करके, मतलब हमें यहाँ 0 पॉइंट पहुँचने तक हमें 3.5 घंटे लग गए। एंड जो नॉर्मली बिना रुके आएगा रुक रुक के नहीं आएगा वो सीधे मतलब मैक्सिमम 2-2.25 घंटे में पहुँच जाएगा इजीली। जो नाश्ता किया था वो तो अब सब पच गया है, अब भूख टाइप भी लग रही है, अब सीधे चलते हैं दुक्तू एंड वहीं खाना पीना खाएंगे। तो यार ये पहाड़ देख रहे हो, इस पहाड़ को बोलते हैं गब्बे, जहाँ कीड़े ज़्यादा पाया जाता है। एंड इसी पहाड़ में तुकताल और सोना लोग जाते हैं कीड़ा खोदने के लिए जब कीड़ा खोदने का समय होता है। वैसे तो आजकल भी समय है
बट लोग जितने लोग हैं पहले ही जाके निकल के आ चुके हैं। एंड आजकल बारिश हुआ था ना बीच में, तो क्या पता अभी थोड़ा और हुआ होगा। अगर मेरे को टाइम हुआ तो मैं सोच रहा था कि केजड़े का वीडियो बनाऊंगा, बट अब देखते हैं यार, क्योंकि यहाँ से ना नीचे जाने का भी सोच रहा हूँ मैं धारचूला को। ये ताल देख रहे हो, इसी ताल के नीचे साइड से हम लोग आए थे जहाँ पड़ता है बेस कैंप, है यहीं से होते हुए हम लोग निकले थे पंचचूली की ओर। बट अब हम लोग यह रास्ता चुनेंगे, नीचे रास्ते सीधे बेस कैंप से होते हुए आता है एंड ऊपर रास्ते से सीधे पंचचूली जीरो पॉइंट के लिए आता है। तो अब हम चलेंगे ऊपर रास्ते से, क्योंकि हम नीचे रास्ते से तो आ ही चुके हैं। एंड लास्ट बार देख लो भाई, ये ताल कितना साफ है भाई, कितना क्लियर है। वो सामने नदी देख रहे हो, यही है न्योला एंगती जो आ रहा है पंचचूली से। भाई साहब ये चढ़ाई देख देख के तो अब थोड़ा ऐसा लग रहा है कि गलत डिसीजन ले लिया, क्योंकि यार अभी नीचे देख रहे हो जिस तरह से हम लोग आए थे ना उस तरह से नीचे नीचे डाउन 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 है। बट अभी हम लोग ये चढ़ाई ले रहे हैं क्योंकि मैंने कहा था ना कि हम लोग जाएंगे दूसरे रास्ते, तो इसी चक्कर से हम लोग दूसरे रास्ते चल रहे हैं। पर क्या करें, अब आ गए हैं तो चलना ही हुआ। ओ भाई साहब ये कब बन गया यार, कितना बढ़िया लग रहा है यार। ये देखो भाई, बैठने के लिए बना रखा है बढ़िया गोल में एंड बीच में लकड़ी खड़ा कर रखा है। तो यार ये बोर्ड देख रहे हो आप, यही बोर्ड है एंड यही तिरा है जो ये जाता है, पहला जाता है आपका बेस कैंप की ओर, ये जाता है सीधे सीधे डायरेक्टली जाता है, डायरेक्ट जाता है सीधे पंचचूली जीरो पॉइंट, और ये रास्ता जाता है आपका रंगजंती ताल, जो कि आपने मेरे इससे पहले के पहले वाले ब्लॉग में देखा होगा। तो यार फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं दुकतू गांव, अपने गांव, एंड ये रहा सामने गांव। एंड अभी समय हो गया आपका 4:45, मतलब लगभग लगा लो हमने 6.5 घंटे का ट्रैक कर लिया, पूरा फोटो वीडियो रुक के रेस्ट करके खाना खा के पी के ठीक हो गया जैसे जैसे। एंड हमने आज फाइनली जीरो पॉइंट देख ही लिया, एक्सप्लोर कर ही लिया, एंड जो इसकी कहानी थी, जो इसका मेन स्टोरी था, वो मैंने आपको बता ही दिया। तो अब चलते यार कम ऐसे कमरे को, पैर दर्द तो हो ही रहा है, अभी बॉलर वाला होगा तो बॉलर खेलेंगे, थोड़ा भूख लगी रहा है, खाना पीना खाएंगे। तो यार आज का व्लॉग यहीं कर लेते हैं, आई होप कोई अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो सबको बताइए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय, टेक एपिसोड मिलते हैं, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर सब्सक्राइब करना। बाय बाय।